कि गांव गिराव का हाल बेहाल बा, चौपट होता ते खेती किसानी आ चौपट करे में लागल बा, अज्ञानी का संगे बड़े बड़े ज्ञानी। नमस्कार, बात बे बात के लिए मैं कौशिक। अभी फिर एक बार हम लोग टुटवारी गांव में आए हुए हैं। मौका अलग अलग है। पिछली बार हम लोग चुनाव में आए हुए थे और इस बार बाढ़ की विभीषिका में जूझ रहे किसानों से मिलने। बाढ़ तो चली गई, वापस लौट गई है, लेकिन दर्द अभी बाकी है, परेशानी अभी वैसे ही बाकी है, मुसीबत अभी किसानों के सर पर मंडरा रहा है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के स्थानीय किसानों से कि किस स्थिति में वो हैं, कितने दर्द में वो हैं। हाँ, क्या स्थिति है आप लोगों की? जी बहुत खराब है। हम लोग कंगाली के कगार पर आ गए हैं। ऐसे अब ज्यादा आपका कहें, आप देख ही रहे है कि नहीं? आप लोग खेती किए हुए हैं यहाँ पर जी? हाँ, क्या स्थिति है आप लोगों की? बाग धान सब बह गया है, पानी अभी भी जमा हुआ है, आगे वाली खेती के लिए भी समस्या खड़ा हो गया। हाँ, आगे वाली खेती के लिए समस्या है, यही पोजीशन है अभी। पानी तो अब काफी घट चुका है पहले से, डेढ़ फुट के करीब घटा हुआ है पानी। तो अब किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? अगला जो खेती है वो हो नहीं पाएगी। लगभग हम लोग एक दो दिन के अंदर में खेती स्टार्ट कर देते थे, अभी इस साल वो नहीं हो पाएगी। 15 या 16 तक खेती स्टार्ट हो जाती थी, कि प्याज का बिया डालना, मसूर की खेती, ये सब दलहन वगैरह की खेती वगैरह की, अभी सब बंद हो गई है। अभी देख ही रहे हैं आप, पानी सारा लगा हुआ है यहाँ पे। धान तो टोटल जितना मतलब था वो बर्बाद हो चुका है सर। अभी निश्चित तौर पर किसानों का दर्द तो बहुत ही दारुण है। धान इनका जो इन्होंने चावल की खेती की थी, धान की खेती की थी, धान तो बर्बाद हो ही गया है। और कह रहे हैं कि बस अब शुरू होना था, प्याज का बीज डालने का मौका था, दलहन की खेती करने का मौका था, जो अब बर्बाद हो चुका है। समय गुजर जाएगा, पानी निकलते निकलते आप देख सकते हैं गांव के आसपास का सारा इलाका बाढ़ में डूबा हुआ है। किसान इस हद तक परेशानी में है की समझने की और महसूस करने की जरूरत है। हम बात करते हैं स्थानीय किसान से। हाँ, क्या स्थिति है? हम लोगों की बहुत बदतर है, इससे बदतर हालत किसी की नहीं होगी। यहाँ के किसान जितने जो भी धान लगाए थे सब बह गया। सरकार तो इसके बारे में कोई सोचती नहीं है, केवल चैनलों पर और कागजों पर दिखाती है कि ये हो गया। तो सरकार के तरफ से इस क्षेत्र को बाढ़ घोषित किया गया या कुछ आप लोगों को आश्वासन दिया गया? अभी तक तो कोई आया ही नहीं, तो आश्वासन कहाँ से देगा? जब आएगा तब ना कोई आश्वासन देगा, बाढ़ग्रस्त घोषित करेगा। आपके स्थानीय विधायक जो कि अभी मंत्री भी हैं, उपेंद्र तिवारी जी, पहले तो नहीं आए थे, लेकिन कल एक शोक सभा में आए थे, तो हो सकता है कि इधर आए हो, हमसे तो भेंट नहीं है, लेकिन सुन रहे हैं कि आए थे। गांव के बाहर से वो चले गए, कहा जाता है कि वो पहले बहुत आया करते थे, तो अब क्यों नहीं? अब मंत्री बन गए हैं, इसलिए गाँव में उनको फुर्सत नहीं है आने की, इसलिए गाँव में नहीं आते हैं। लोगों का दुख दर्द नहीं समझ पाते हैं, जब आते तो लोगों का दुख दर्द समझते, वो बाहर से आते हैं और बाहर ही खबर पा करके चले जाते हैं। सरकार के तरफ से कोई उम्मीद नहीं है आप लोगों को? कोई आश्वासन नहीं है? कोई आश्वासन नहीं है। स्थानीय विधायक आप लोगों का हाल चाल नहीं? स्थानीय विधायक का तो हाल है कि 15 साल से इनको से हम लोग एक पेड़ का औधि लगाया जाता है, 5 साल में फल देता है, लेकिन 5 साल के बाद 10 साल जो है ये अपने भी पेट भरने में रह गए। एक बार भी गांव में पूछने नहीं आया कि गांव के लोग मर रहे हैं, जिंदा हैं, क्या है, किसी से कोई उनका कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब केवल रोड पर, और रोड पर आते हैं 2-4-5 वहां पर रखे हुए हैं, उनको चटा देते हैं, उसके बाद लौट जाते हैं। आपके दर्द को हम लोग समझ सकते हैं, महसूस करने की बात है, क्योंकि आपके बदौलत हम लोग जीते हैं। निश्चित तौर पे हमारे भगवान होते हैं किसान, इन्हीं के बदौलत हम भोजन पाते हैं, जीते हैं। इनके दर्द को समझने की जरूरत है। सरकार के तो बड़े बड़े दावे होते हैं किसानों को लेकर के कि हम किसानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या हकीकत है आप स्वयं देख सकते हैं, किसानों से बात करते हैं। हाँ, हम लोग किसान तो यहाँ पर इतना हम लोग दर्द में है, लेकिन उस दर्द को समझने के लिए कोई भी सरकार, कोई भी सुविधा, कोई भी कुछ नहीं हम लोग को मिल पा रहा है। आज तक कोई भी देखने के लिए हम लोग को नहीं आया, कोई देखने के लिए कोई नहीं आया। निश्चित तौर पे ये बहुत दुखद है, बहुत ही दुखद है।
गांव के चारों तरफ 7 किलोमीटर पानी ही पानी है चारों तरफ, देख सकते हैं हम लोग। और जो मंत्री जी है यहाँ से विधिवत परिचित है कि यहाँ की स्थिति क्या होती है बरसात आने पर, लेकिन हर गांव में 2 बंदर रखे हैं, 2 बंदरों से सलाह लेते हैं, अपना काम करते हैं। मतलब 2 उनके प्यादे हैं, हर गांव में 2 बंदर रखे हैं। हाँ। अब वही 2 बंदरों का सलाह, बंदरों का मतलब ये कि प्यादे हैं उनके सलाहकार, सलाहकार। हाँ वही सलाहकार हैं उनके, उनके सलाहकार हैं। काका का हाल बा? हाल पे देखते बानी जी पानी आई बाते, पानी बिना दुखत बानी जा। अब मिलत कुछ है नहीं, खे नहीं, गरु का चारा आदमी का चारा, गरु का चारा आदमी का चारा, कुछ मिलत नहीं ना। और शौच वगैरह करे के भी रुआ लोग के परेशानी हो गई बटे। हाँ हाँ कुल हो गई। और खेती कितना बटे ही जा? बांस का सीन दिखाओ जी, बांस का सीन मैदान खुद देखते बनी। अच्छा अच्छा, ये बांस का चाचर बांधा हुआ है, इसी पर बैठ करके, अब क्या कहें, इसी पर बैठ करके शौच करने की व्यवस्था है। निश्चित तौर पे गांव में पुरुष हैं तो महिलाएं भी हैं, तमाम लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी ये समझने वाली बात है, खुद पर महसूस करने की जरूरत है। सरकार, सरकार के नुमाइंदे, अधिकारी, अफसरान, उन लोगों को यहाँ पर आने में परेशानी इसलिए है कि कहीं उनका जूता ना भींच जाए, लेकिन जो महीनों से इस दंश को झेल रहा है, इस दर्द को झेल रहा है, कितना कठिन है सोचने की जरूरत है। सरकार बनाने के लिए जनता बहुत उम्मीद के साथ सरकार बनाती है, जनता कि हम जिसको चुन करके और सरकार में भेजेंगे वो हमारी समस्याओं के लिए लड़ेगा, हमको हमारी समस्याओं से निजात दिलाएगा, लेकिन हमारा जनप्रतिनिधि अगर हमारी सुधि नहीं लेता तो बहुत दर्द होता है। कोई देखने के लिए नहीं है, कोई सुनने के लिए नहीं है, कोई पूछने के लिए नहीं है, कोई इनके दर्द को इनसे पूछने नहीं आता कि आप लोग कैसे हैं, किस हालात में हैं। इन लोगों के द्वारा कहा जाता है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं चुनाव से पहले हमेशा आकर के इनको सहलाया करते हैं, लेकिन आज जिस स्थिति में यहाँ के किसान हैं, यहाँ के ग्रामीण हैं, इनसे कोई हाल चाल पूछने वाला नहीं है, चाहे सरकार हो या सरकार के नुमाइंदे हो। हम और लोगों से भी बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने गांव की परेशानियों को देख करके छुट्टी लेकर के नौकरी से यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप कहाँ से अभी आए हुए हैं? जी मैं त्रिपुरा में पोस्टेड हूँ, सीमा सुरक्षा बल में हूँ, उप समादेष्टा के पद पे, और टुटवारी मेरा गांव है, इस गांव से काफ़ी जुड़ाव है, आता रहा हूँ हमेशा। तो अभी यहाँ की स्थिति को सुन करके आ पाए हैं? जी बिल्कुल, गांव को हम बाढ़ में जरूर देखते हैं और कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप रास्तों में भी देखे होंगे, जो सबसे बड़ी चीज़ समस्या है कि जितने भी पशुधन हमारे हैं, जो आप बाहर यहाँ पे बस्तियाँ देख रहे हैं, सब गांव में आ गए हैं, रास्ते जाम हैं। दूसरी चीज़, हमारा क्षेत्र जो है करैल जो है काली मिट्टी का क्षेत्र है, मालवा एक तरह से बलिया जिला का, इसे सोने का चिड़िया कहा जाता था एक समय पर। दलहन के उत्पादन यहाँ पर किसान केवल रबी की खेती करते थे पहले, खरीफ की नहीं करते थे, लेकिन किसानों ने अपने मेहनत और अपने जिद से खरीफ की भी खेती अच्छा करने लगे, लेकिन बाढ़ जो है उस खरीफ की खेती को भी नष्ट करता है, जैसे धान हो गया। अब रबी की बुआई जुताई जनरली इसी सीजन जिसको कार्तिक बोलते हैं, कार्तिक जो है हिंदी महीना है, कार्तिक में ही करते हैं लोग, लेकिन अभी स्थिति यह है कि कम से कम इस पानी को निकलने में 2 महीना लगेगा, इससे इनकी खेती पीछे चली जाएगी, फसल नुकसान होगा, होना भी मुश्किल है। मतलब अगर किसान अपने जिद पे करे तब भी होना मुश्किल है, उनको लागत का उनका दाम नहीं मिलेगा, तो काफ़ी समस्याएँ हो। और ये गाँव बेसिकली कृषि आधारित गाँव है, यहाँ पे रकबा भी करीब अप्रोक्स 3000 बीघा पड़ता है इस गांव का, 2600 3000, और उस रकबा में, और हम लोग भी उसी खेती के पैसे से ही पढ़े और आज नौकरी पाए, यहाँ जो भी लोग हैं किसान के ही लड़के हैं और पढ़े लिखे, लेकिन समस्याएं जो है इसका कोई क्या कहते हैं वो एक अस्थाई निराकरण आज तक नहीं रहा। ये जिला प्रधानमंत्री का भी रहा है, यहाँ अच्छे मंत्री रहे, अच्छे नेता रहे, अच्छे लोग रहे इस जिले से, लेकिन इस गढ़ा परगना पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। जिला मुख्यालय से काफी करीब ये गांव भी है, जिला मुख्यालय से मात्र आपको 42 किलोमीटर 42 किलोमीटर पड़ेगा। बलिया जिला मुख्यालय से 35 या 42 किलोमीटर की दूरी पर ये बसा हुआ गांव है, लेकिन संसाधन के नाम पर आप देख ही सकते हैं। अभी चिकित्सीय व्यवस्था, जैसे कि पानी घट रहा है यहाँ पर तो बीमारी का भी अब तो शुरू होना है। यहाँ पे पहली चीज़ की कोई अस्पताल नहीं है, अस्पताल जो है वो पंचायत भवन, उसमें अस्पताल चलता है हम लोग का, होम्योपैथिक अस्पताल।
अस्पताल है वो भी बंद हो गया है, तो आते नहीं है डॉक्टर। पशुओं के लिए कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं, पशु भी बीमार हो रहे हैं, लोग भी बीमार हो रहे हैं, खुजली चर्म रोग इन पानी में हो रहा है, लोगों को पानी को पानी में घुसना ही है अपने कामों के लिए, नित्य के कामों के लिए, तो चर्म रोग से पीड़ित हैं यहाँ के लोग। तो काफ़ी समस्याएं ऐसी हैं जिसका कि निराकरण कोई अभी तक तो हम नहीं देख रहे हैं, चाहे हम भी कभी कभी आते हैं गांव में तो सुनते हैं, तो समस्याएं तो हैं। ये दुख की बात है, कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग यहाँ पर बात विवाद की टीम जो है, बात विवाद की टीम पहले भी चुनाव के समय में यहाँ पर आई थी, उस समय भी यहाँ के ग्रामीणों से हम लोगों ने बात किया था, उन लोगों ने अपनी समस्याओं को बताया था, लेकिन अभी की जो स्थिति है, अभी का जो नज़ारा है, वो बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही दुखद है। देख करके गला भर आता है, इनके दर्द को सुन करके मन जो है दुखी हो जाता है कि यहाँ पर अब तो पानी जो घट रहा है, तो पानी घटने के बाद संक्रमण बढ़ने का डर होता है, तो इस डर को लेकर के आप लोग मेरे सामने आ जाइए प्लीज, आप लोगों से बात करते हैं कि पानी घट रहा है तो अब तो संक्रमण का भी काफ़ी डर होगा। पानी घटने के बाद थोड़ा ये बीमारी वगैरह का भी डर रहता है, हो सकता है आ जाए। तो आसपास में कोई व्यवस्था नहीं, नहीं अस्पताल में कोई व्यवस्था। रात भी रात आप लोगों के यहाँ अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो कैसे आप लोग कैसे लेकर के बाहर जाते हैं और कहाँ जाते हैं? बक्सर जाते हैं नज़दीक है यहाँ से, चाहे बलिया जाते हैं, गाजीपुर जाते हैं, इस हिसाब से जाते आते रहते हैं। और आपके बच्चे जैसे कि कह रहे हैं कि 2-3 महीने से आप लोग बाढ़ से परेशान हैं, 2 महीने से, तो आपके बच्चों की पढ़ाई भी अभी तो बाधित है, बंद स्कूल बंद है, बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाता है, थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है, तब बड़े वाले। जबकि सरकार के दावा है, सरकार ये दावा कर रही है कि खूब पढ़ो बढ़ो, शिक्षा नीति पर पूरा मतलब कि ये किया जा रहा है, काका ऐसा हुआ है कि पूरा धान बह गया है, चैती पर मैंने प्रभावित है, क्या करेंगे नहीं करेंगे, बस और क्या, अब आप देख ही रहे हैं। तो आपके दर्द से मुझे भी दुख हो रहा है, क्या कहा जाएगा अब इस किसान के आँख का आंसू जो है अभी जो है हम लोग का बहुत कुछ कह दे रहा है, बावक चालू हो जाता है, मगर अभी तक नहीं हुआ, कोई ठिकाना नहीं कि नवंबर में होगा कि दिसंबर में होगा कि जनवरी में होगा, अभी तक पानी डूबा हुआ है, नहीं तो है समस्या, मिलने जुलने वाला कहीं कुछ नहीं, नेता लोग आते जाते नहीं, जो हमारे देश के मुखिया बन करके बैठे हुए हैं, आला कमान बैठे हुए हैं, इस किसान की आंसू को समझने की जरूरत है उनको, इसकी आवाज़ को सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये किसान नहीं होते तो देश की अर्थव्यवस्था और डावाडोल होती, लोग भूखों मर जाएंगे। हमें दर्द हो रहा है इस किसान के आंसुओं को देख करके, और मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, और सबको सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। जी आगे आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या करने की आवश्यकता है, क्या हो सकता है करना, जो कुछ है हमको अपने करना है, दूसरे के बल पे हम थोड़ा ना करते हैं, दूसरा कोई कुछ करेगा थोड़ा ना यहाँ, हाँ ऐसी स्थिति में तो स्वावलंबी होना ही जरूरी है। यहाँ सरकार आज तक कभी कुछ भी नहीं किया है, ये नहीं है कि कोई भी सरकार हो कोई यहाँ काम किया हो, जो लोग यहाँ के हैं जैसा हैं और जो करते हैं अपने आप पे करते हैं, कभी सरकार जो यहाँ के पंचायत स्तर के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा कुछ कोई यहाँ किसी को कुछ पूछने नहीं आता है, किसान ही ऐसा है कि जो करता है अपने बल पर करता है, सरकारी सहायता या कुछ भी हो किसी को कुछ नहीं मिलता है, जो करता है किसान अपने बल पर करता है। और कोई अपनी बात रखना चाहते हैं, जो अपनी बात रखना चाहते हैं वो सामने आए, किससे बात करें, कोई है कोई बात करे, कोई किसान जी का कहल चाहत नहीं का हमनी को, मैं पलान को भूस गई सब भूसा उसा मैं बह गई गोरू मान लिया के प्रधान के द्वार पर खियावत नहीं जा, आ घास चूड़ामनपुर बाटे अर्जुनपुर कुल घास लियावत नहीं जा, बिहार के अर्जुनपुर जाते हैं आप लोग, हाँ घास लिया बहुत तकलीफ बा, बहुत तकलीफ है आप लोग, गरीब आदमी बनी जाऊँ मैं पलानी कुल मैं ढह के मैं भूसा उसा बह गई बा सरकार, बहुत दर्द है, बहुत दुखद स्थिति है, और क्या हम कहें, इन किसानों इन ग्रामीणों के दर्द को समझने की आवश्यकता है। आप लोग देखिए हमारे टुटवारी गांव के प्रधान जी आ गए, इनसे हम बात करते हैं, ये ग्राम प्रधान हैं, इनसे हम बात करते हैं यहाँ की स्थिति के बारे में,
काफ़ी दारुण स्थिति है, मार्मिक स्थिति है, यहाँ के किसान रो रहे हैं। अभी एक वृद्ध किसान यहाँ पर रोने लगे हैं। यहाँ की स्थिति बहुत बुरा है और हमारे बलिया जिला जो बलिया तहसील है, बलिया तहसील का सबसे गढ़ा गांव टुटुआरी है और इस स्थिति में जो है अधिकारी और कर्मचारी और मंत्री जी रोड पे आते हैं, रोड चले जाते हैं। आज अभी तक न कुछ जो है बाढ़ घोषित किया गया, न कोई चारा मुहैया कराया गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं बार बार जो और सरकार के तरफ से तमाम दावे हो रहे हैं कि बाढ़ पीड़ितों के लिए बाढ़ राहत कोष खोल दिया गया है पूरी तरह से। कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। हमने जो है बाढ़ चौकी पर दौड़ता रहा, आप पहल किए इस हम दौड़ते रहे और जो है जितने अधिकारी रहे राजस्व विभाग के वो लोग बोलते रहे हाँ हाँ हो जाएगा प्रधान जी हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा एक एक सवाल है और कि ये बाढ़ की विभीषिका जो है ये पहली बार तो है नहीं? ना ना ये जो ये है, तो हमेशा का हमेशा बना हुआ है। अपने समय पर बाढ़ तो आती ही आती है, बिना समय की आई तो इसके लिए पहले से कुछ व्यवस्था होना चाहिए था ना। आज पहले से व्यवस्था नहीं करते हैं क्या? आज तक कुछ कोई भी सरकार ने आज तक यहाँ बाढ़ के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं किया। तो सरकार को पहले से चेतने की आवश्यकता है, इन लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने की आवश्यकता है, इन लोगों को राहत दिलाने की आवश्यकता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है क्या? अभी तक क्या हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। 2 महीने से आपके गांव के बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं। चिकित्सा की व्यवस्था ये है कि रात विरात अगर कोई वृद्ध व्यक्ति या कोई बहू या कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो यहाँ से लेकर के तत्काल भाग नहीं सकते हैं। होम्योपैथी के डॉक्टर के ट्रांसफर कर दिया गया, तो लाइबे ना कोई लोग। अच्छा आज तक होम्योपैथी के डॉक्टर भी रहन वो ट्रांसफर आज लाइबे ना कोई लोग। मतलब वो सरकारी डॉक्टर थे? सरकारी डॉक्टर थे। दो बार हम सीएमओ ऑफिस में भी गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर वो लोग मरे या जिए उससे कोई मतलब नहीं है। मालूम पड़ता है टुटुआरी गाँव जिला में है ही नहीं है। जी क्या क्या होना चाहिए, सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? सरकार से किसान की जो हानि हुई है वही पूरा करे सरकार, वही काफ़ी है हम लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। बहुत से लोगों के द्वारा हम सुन रहे हैं कि बाढ़ घोषित हो गया है, बाढ़ घोषित हो गया है, लेकिन यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आया, ना ही यहाँ पर कोई ये तो हुई। आप लोग अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ मिल करके और ऊपर जाने का कोशिश किए अपनी आवाज को? हम लोग तो किसान हैं, यहाँ के जो डीएम ऑफिस में दरखास्त उनके करिंदे हैं। डीएम ऑफिस में आप लोगों ने ऑफिस में दरखास्त दिए हैं तो क्या वहाँ से कुछ आश्वासन नहीं दिया गया? बस रिसीव करके कागज दे दिए, तहसीलदार साहब आए थे। अच्छा। बोले कि हम कल जो है भूसा विदा करा रहे हैं, चारा विदा करा। आज तक तहसीलदार साहब न आया, न चारा आया, न भूसा आया। जिलाधिकारी महोदय ने कोई आश्वासन नहीं दिया? कोई आश्वासन नहीं दिया। लोग खाने बिना मर रहे हैं, न साग मिल रहा है, न सब्जी मिल रहा है, न चावल दाल मिल रहा है, कहाँ से मिला? आज बाढ़ आई हुई 1 महीने से, ये 1 महीने में कौन जिंदा रहेगा बिना अन्न जल के? मवेशी है, कोई सुनवाई नहीं है इस गांव का। जी जो माल इतना खाता है उसको इतने से खिला करके कैसे जान बचाया जाता है? आदमी जो है जो भट पेट खाना वो आधा पेट खा के जी रहा है। सरकार से क्या कहना चाहते नहीं रहुआ? कहना चाहते हैं कि सुख सुविधा हम लोगों को, माने गृहस्थ आदमी लोगों को होना चाहिए। अब देखते हैं कि धान पूरा बही गया है, एक अलावा जो हम लोगों का चैती जो है ये भी जाने ही वाला, चला ही गया, इसको मान लीजिए कि चला गया, भारी मुसीबत है। भारी मुसीबत हम लोगों को जो है, खेसारी जैसे लकड़ी है, मसूरी है, उसका समय जो है अभी बावक होने का टाइम बीत रहा है। अभी तक कम से कम नहीं तो नवम्बर ये अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर अब क्या जनवरी, और स्थिति सुधारने में अभी समय तो लगेगा ही। निश्चित तौर पे स्थिति सुधारने में अभी 3 महीना स्थिति सुधारने में लगेगा। हाँ। ये हर साल की प्रकृति है। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग सरकार से आखिर में? हम लोग बात कहने की चाहत, लेकिन एगो हम गाँव का चाहे किसान का व्यथा पर एगो लम्हर कविता बा, लेकिन 2 लाइन हम तुम सुनाओ चाहते हैं। जी बिल्कुल। कि गाँव गिराव का हाल बेहाल बा, चौपट होता टे खेती किसानी, आ चौपट करे में लागल बा अज्ञानी का संगे बड़े बड़े ज्ञानी। अब एक बात का कहल जाओ, सब लागल बा, सभी लगे हुए हैं। हाँ कि चौपट हो जाओ का बहुत कुछ कारण भी बाड़ी सब। कविता लंबा बा, जाना कहल जा सकेला पूरे। तो आप लोगों ने स्थानीय स्तर पर, जमीनी स्तर पर क्या हकीकत है गाँव की, इस देश की, इस देश के किसानों की,
क्योंकि कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव में स्थिति ये है तो आत्मा की स्थिति क्या होगी। तो अब तक के लिए बस यही तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक बात में बात देखते रहिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार।